हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिल मेडिकोज। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा क्या जो फ्लड मोसेक मॉडल है। तो देखो यार, इस बार जो यूनिवर्सिटी हुआ था उसमें सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आया था फ्लड मोसेक मॉडल। इस पर अपने को एसएन लिखना था, शॉर्ट नोट लिखना था, तो इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ यार। तो इसको मैं आपको सारा फ्लड मोसेक मॉडल के बारे में बताऊंगा, किस किसने ये दिया है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे इसने सेल स्ट्रक्चर है ना, सेल की जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसे इसने बताया, सारी चीज बताने वाला हूँ इसमें। चलो यार स्टार्ट करते हैं अपन अपना फ्लूइड मोसेक मॉडल। तो देखो यार, जो फ्लूइड मोसेक मॉडल है वो अपना प्रपोज्ड किया था सेंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको, आप इस चीज अगर पेपर में लिख के आते हैं तो इस पे जो आपके एग्जामिनर होगा या जो चेकर होगा कॉपी का, उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं इसकी नॉर्मल पॉइंट्स बताता हूँ, फिर इसके बाद इसमें मूवमेंट्स वगैरह सब चीज बताऊंगा। द मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल एज अ मोसेक ऑफ कंपोनेंट्स सच एज फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट। तो देखो यार, जो मॉडल है ना वो अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसका स्ट्रक्चर बताता है, और फ्लूइड मोसेक आपको उसके नाम से समझ में आ रहा होगा, फ्लूइड है ना, मतलब की फ्लूइडिटी है इसमें। तो देखो आर की अगर अपन इसको समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे देखो कि जो अपने ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये मैंने बना रखे हैं जो बाइलियर है फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है। तो ये ना एक सी जैसा होता है, ऐसे अपन ने देखा होगा कि समुद्र होता है उसमें पूरा पानी रहता है, तो जो अपना अगर मान के चले अपन इसको एक समुद्र जैसा, तो जो अपना जो समुद्र है वो अपना बना रही है बाइलियर, और अगर उसके ऊपर एक आइसबर्ग, अगर आइस क्यूब है या कुछ भी है, आइस का पीस अगर अपन उसके ऊपर डाल देते हैं समुद्र ऊपर तो फ्लोट करता है, तो वो है अपनी प्रोटीन्स जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है। तो इसके थ्रू ना अपना बताया गया है फ्लूइड मोसेक मॉडल की वो फ्लूइड होता है, जो बाइलियर मेम्ब्रेन होती है वो अपना एक सी जैसी होती है, और जो अपने प्रोटीन्स ऊपर फ्लोट करते हैं वो अपने आइसबर्ग जैसे होते हैं। सेम एज अ सैंडविच मॉडल ही है यार ये भी, बट इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा डाल दी गई हैं जिसकी वजह से कि ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो फुलफिल कर लेता है। तो इसमें मैंने जो बताया कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बताया गया है फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स फ्लूइड कैरेक्टर टू द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है यार उसको जो फ्लूडिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं वो देते हैं अपने फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, और जो लास्ट नंबर था वो होता है अपने कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने इनको और अच्छे से बता रखा है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वीडियो में, आप वहां पे जाके और अच्छे से देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो अपनी जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जितने भी अपने पोलर चार्ज होते हैं, मतलब पोलर होगा या चार्ज होगा सॉल्यूट, उन सभी के लिए होती है अपनी इम्परमिएबल, और परमिएबिलिटी शो करती है नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए। अब बात करते हैं इसमें अपन, पहले देखते हैं यार स्ट्रक्चर, जो मतलब की जो फ्लूइड मोसेक मॉडल है ना उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। और वैसे तो यार मैंने तुम्हें जो बताई है, जो वीडियो बना के डाल रखी है पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो सेम टू सेम अपना फ्लूइड मोसेक मॉडल का ही है एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि यार जो फ्लूइड मोसेक मॉडल है ना वो पूरी प्रॉपर्टी और जो पूरी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो पूरा एक्सप्लेन करता है फ्लूइड मोसेक मॉडल। तो जैसा कि इसमें स्ट्रक्चर दे रखा होगा वही स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है वहां पे, और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जो अभी तक वाइडली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैं नॉर्मल यहाँ बता देता हूँ, बट जो नोट्स वगैरह है ना वो आपको वहां से मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, आप ले लेना। और उसके बाद यार कि जो मैंने इसमें जो नोट्स दे रखे हैं तुमको ना इतने ना, तो तुम्हें क्या करना है कि जो नीचे जो मेरा लास्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये ना आप लोगों के लिए ना जो आपकी अगर यूनिवर्सिटी में आता है तो आपको वहां से लिखना है, ठीक है। वहां पे जितना दे रखा है वहां से लिखना है, और बाकी का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। स्ट्रक्चर का मैं आपको नॉर्मली रिवीजन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होती है, सेंट्रल में होती है, वो होती है अपनी लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन जो अपनी फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। बाइलियर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि दो लेयर में बनी होती है, एक तो ऊपर होती है एक नीचे होगी जो फॉस्फोलिपिड से बनी होगी। फिर इसके बाद इसमें प्रोटीन्स होते हैं यार, जो प्रोटीन्स होते हैं वो अपने या तो थ्रू आउट दी मेम्ब्रेन होंगे बाइलिपिड मेम्ब्रेन के, या तो फिर उसकी सरफेस पे होंगे। जो सरफेस पे होते हैं उनको अपन बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और जो उसको इंट्रीगेट करके निकल आते हैं उसको बोलते हैं इंट्रीगल प्रोटीन्स, और जो प्रोटीन्स के ऊपर अपने कार्बोहाइड्रेट्स लगे होते हैं, जो प्रोटीन्स के ऊपर लगे हुए उनको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन,
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्लाइकोसाइलेशन होता है वगैरह वगैरह। सर अगर जो अपने फॉस्फोलिपिड्स के पोलर हेड पे लगे होंगे कार्बोहाइड, उसको बोलेंगे अपन ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, इतना तो ये नॉर्मल बात हो गई। अब बात करते हैं यार अपन मूवमेंट्स की, कि अपने जो अपनी बाइलियर होती है ना यार, वो अपनी बनी होती है मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स से, लिपिड से बनी होती है। तो वो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं ना यार, वो कुछ मूवमेंट्स शो करते हैं। मैं यहाँ पे आपको मूवमेंट्स बताने वाला हूँ। देखो यार, जो सबसे पहले नंबर का मूवमेंट है ना, वो है अपना फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ कि जो अपनी मोनोलेयर है, ऊपर वाली लेयर, एक नीचे वाली लेयर बाइलेयर मेम्ब्रेन की, तो इसमें ना यार जो ऊपर वाला फॉस्फोलिपिड्स है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर मूवमेंट कर सकता है। तो ये मूवमेंट यार चलता रहता है, इसी को अपन बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो मैं आप नंबर डाल देता हूँ, पहला नंबर वाला मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे अपना फर्स्ट मूवमेंट हो गया फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब मैं इसमें दूसरा मूवमेंट बताता हूँ। तो दूसरा मूवमेंट होता है, वो होता है लेटरल डिफ्यूजन। मतलब कि जो लेटरल इसका ये होगा, मतलब कि ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ जा सकता है या ये वाला यहाँ आ सकता है, ये लेटरल डिफ्यूजन होता है। इसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है रोटेशन। मतलब कि जो एक अपना फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ना यार, वो क्या करता है, रोटेट कर लेगा ऐसे, या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो मैंने आपको ये रोटेशन बता दिया। और एक और शो करता है फ्लेक्सन। तो फ्लेक्सन यानी क्या होता है कि फ्लेक्स करता है जो अपनी कार्बोहाइड्रेट की चेन है ना, ब्लैक कलर से बना रखी है मैंने ना, तो ये क्या होती है, मोस्टली मोस्ट फ्लेक्सिबल होती है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। तो ये कुछ इस प्रकार से फ्लेक्स करेगी। और जो नीचे पोलर हेड है इसका फ्लेक्सन कम होता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जो अपनी कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार मूवमेंट्स बता दिए। ये मूवमेंट्स होते हैं इसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू मोनोमोलेयर। ठीक है, तो यार इसमें क्या होता है कि जहां पे भी अपना जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है और अपना वो स्टेरॉइड या लिपिड सिंथेसिस होती है, तो ये दोनों चीज कहाँ होती है, अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बट जो अपना फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है यार, वो वहां पे एक्टिवली ज्यादा होता है जहां पे अपना लिपिड का सिंथेसिस होता है, और लिपिड का होता है अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम में। तो वहां पे जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा ना, वो बहुत ही फास्ट होता है। सेकंड बात आती है लेटरल डिफ्यूजन, मैंने आपको बता दिया है। थर्ड रोटेशन, रोटेशन के बारे में बता दिया है। और जो फ्लेक्शन है वो भी बता दिया है, कि जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है ना वहां पे ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो मोस्टली फ्लेक्सिबल होती है और पोलर हेड पे कम होता है। तो ये तो होगा इसकी मूवमेंट्स की बात। अब इसमें बताता हूं तुम लोगों को एक की पॉइंट। जो की पॉइंट क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन की यार चेन रहती है ना, वो कभी कभी अनसेचुरेट फैटी एसिड से भी बनी होती है, सेचुरेट से भी बनी होती है। ऐसे पालमेटिक एसिड है अपना, सेचुरेटेड है 16 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इनके अंदर क्या होती है, डबल बॉन्ड होगी, इंक्रीज द फ्लूडिडिटी। मतलब क्या होता है यार कि वो अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूडिडिटी इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है, कि मेकिंग इट मोर डिफिकल्टी टू पैक द चेन्स टुगेदर। अगर मान के चलो यार, मैं तुम्हें बना के बताता हूं क्या होता है, कि अगर हाइड्रोकार्बन की कोई चेन है, तो यार चेन अगर अनसेचुरेट है कोई और एक अपना सेचुरेटेड, सेचुरेटेड की वजह से क्या होता है यार, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अपना स्ट्रक्चर होता है सेचुरेटेड का, वो ज्यादा स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर जो डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है ना यार, वो थोड़ा फैला हुआ होता है। ऐसे मान के चलो कि हाइड्रोकार्बन का ना थोड़ा ऐसे फैला टाइप का है और एक का अपना बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जो फैला हुआ है ना यार, इसके स्ट्रक्चर की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से, इस वजह से ना ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, एक कम एरिया कवर कर रहा है। तो जो अपना सेचुरेटेड होगा ना, वो ज्यादा कॉम्पैक्ट पैक होकर ऐसे लेयर बनाएंगे अपनी, और जो अनसेचुरेटेड है वो इतने दूर होके बनाएंगे। मतलब कि इसमें ये ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, पर डेंसिटी इनकी कम है, कम डेंस है। अगर कम डेंस है यार, तो इनके बीच जो मूवमेंट होने के लिए स्पेस है वो ज्यादा है, तो इससे फ्लूडिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन सेचुरेटेड में क्या होती है, कॉम्पैक्टली पैक है, और कॉम्पैक्टली अगर ये पैक है तो इनके अंदर जो स्पेस है मूवमेंट्स के लिए वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर स्पेस डिक्रीज हो जाएगी तो मूवमेंट कम हो पाएगा, तो फ्लूडिटी एट द लीस्ट
कंप्लीट ही हो जाएगी पूरी, मतलब इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। तो क्या होता है यार कि ऐसे मान के चलो कि जो अपने रहते हैं ना कोल्ड टेम्परेचर में एनिमल्स वगैरह, तो वो ना अपनी फ्लूडिटी मेंटेन करने के लिए क्या होता है उनमें ना, जो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से उनमें फ्लूडिटी मेंटेन होकर रखती है। ये थे अपने एक की पॉइंट, मैंने इसमें आपको सारी चीज बता दी है, स्ट्रक्चर भी बता दिया, इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके, मैं आपको आई बटन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसकी वीडियो देख लेना। और इसके बाद और मैंने इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, और अच्छा अपने डायग्राम से भी समझा दिया है। और आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहां से ले सकते हैं। तो यही था भाई, जितना भी था अपना फ्लूडमोस एक मॉडल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।